डीजीसी फैल रही नफरत, वायरल वीडियो पर जनता का फूटा गुस्सा। गीत संगीत प्रेम और भाईचारा कायम करने का माध्यम रहे हैं। गीत नफरत कम करने और तनाव को रोकने का भी काम करते रहे हैं, लेकिन अब गीतों के बोल समाज में जहर घोल रहे हैं। ये दो संप्रदायों में नफरत पैदा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आज YouTube पर तमाम ऐसे गाने पड़े हैं जो दंगा फैलाने, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त है। कुछ गानों के बोल तो बहुत ही आपत्तिजनक है, इनको रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत सारे मिक्स फ्री में ऑनलाइन उपलब्ध है, लोग उन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट अल जजीरा ने शेयर की है, जिस पर जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पत्रकार गुरप्रीत सैनी लिखती है, संगीत ने हमेशा बांधने का काम किया है, लेकिन अब संगीत भी बांटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। YouTube और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे दर्जनों गाने मिल जाएंगे जिनके बोल में नफरत, गालियां और जेनोसाइड की बातें भरी पड़ी है। क्या लोग अब संगीत प्रेमी की जगह संगीत नफरती कहलवाना चाहते हैं? वहीं एक और यूजर लिखते हैं, ये संगीत नहीं है, ये नफरत का जहर है जो इंसान को जन्म से ही दिया जाने लगा है। सारे गाने वाले एक जैसे लग रहे हैं, इनके चेहरे पर भी किसी किस्म की शांति नहीं है, जबकि संगीत से मन शांत हो जाता है, उल्टा ये विकराल दिख रहे हैं। प्रोफेसर अशोक स्वेन ने लिखा, इस्लामोफोबिक गाने भारतीय मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।